ठीक है। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हमारे यहाँ गुरुवार के दिन मतलब मार्गशीर मास में जो पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी के पूजा करते हैं, मतलब एक महीने में जितना भी गुरुवार पड़ेगा तो उसी दिन को हम बहुत अच्छे से अल्पना से सजाते हैं, घर द्वार सब बाहर हम साफ सफाई करके अल्पना देते हैं और माँ लक्ष्मी के पास बनाते हैं, कमल का फूल बनाते हैं कैसे। और पूजा भी मैंने कैसे किया था आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर मैं अभी शेयर करूँगी, आप लोग भी देखिएगा कैसे मैंने किया था पूजा। देखिए, हम गुरुवार दिन पहले सब घर बार सब धो धा के हम ऐसे फूल से सब घर सब सजाते हैं। लक्ष्मी माँ के कैसे पाँव भी बना है, फूलों से भी कितने सुंदर से हम सजाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मार्गशीर मास की गुरुवार के दिन सुबह सब नहा धो के पूजा करते हैं। तो मैंने भी बुधवार के दिन सब साफ सफाई करके ऐसे अल्पना दी। वो चावल से चावल को हम पीस के जो अल्पना होता है वहीं से हम अल्पना बनाए हैं। देखिए, इसको मेरी बेटी ने बनाई और वो सब मैंने भी बनाई थी। और पूजा से पहले देखो बनाई थी, थोड़ा सा वीडियो बना दी थी पूजा से पहले। तो हम देखिए कैसे एक मैचिनी है उसमें एक ऐसे, हाँ इसमें हम धान भर देंगे, भर के लक्ष्मी माँ को पूजा करेंगे। लक्ष्मी माँ को मैं दूध और पानी से नहलाती हूँ, उसके बाद उनका कपड़ा पहनाऊँगी, पहन के उनको माची में बैठा के बहुत सुंदर से सजा के हम पूजा करते हैं। ऐसे जो मार्गशीर मास में जितना भी गुरुवार पड़ता है ना, चार पांच भी, कभी कभी चार पड़ता है, कभी कभी पांच पड़ता है। तो ऐसे हम देखिए कैसे हम इसको मांड बनते हैं, इसमें धान भरते हैं, भर के सुंदर से हम हल्दी से हम गुआ को धो के हम वहाँ सजाते हैं बहुत सुंदर से। मूली और अखू मूली और केला से हम सब सजाते हैं बहुत अच्छे से। माँ को भी, माँ को बहुत पसंद है ये सब सजना सवरना, लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है। तो गुरुवार के दिन जो भी घर की बहू है ना वो सब करते हैं, ऐसे कलश बैठते हैं, कलश देते हैं, कलश में आम के पत्ते देते हैं, पांच या सात पत्ते देते हैं, जो भी जो नारियल देना चाहते हैं नारियल। मेरे पास तो नारियल नहीं था, मैं केला ही दे देती हूँ। केला में दे के मैं केला को भी कैसे मैं सजाई हूँ, उसके बाद अच्छी तरह नई कपड़े से वही जो हम धान से सजाए हैं ना, और माँ को भी देते हैं, उनमें बहुत सुंदर से सजाते हैं। और पूजा भी करेंगे, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करती हूँ, लंबा हो गया था ना इसीलिए मैं बहुत फास्ट करती हूँ। और जो हम सब पूजा करते हैं, हमारा ओडिशा की बहुत बढ़िया बहुत पूजा है। कार्तिक मास भी पूजा, कार्तिक माह भी पूजा करते हैं और मार्गशीर मास के भी वो पूजा करते हैं। हर गुरुवार को सुबह सब पूजा करते हैं बहुत अच्छी तरह, सब नहा धो के सब सब नारी मतलब सब बहुएं सब पूजा करते हैं, धूप दीप सब देते हैं। और सुबह पूजा करके भोग लगाते हैं, भोग में जो भी जो चाहते हैं फल मूल, केला अनार और सेब और छेना, उसे पहले भोग देते हैं। उसके बाद दोपहर को कुछ भी हम अन्न भोग देते हैं, अन्न भोग में जो भी जो जैसे बना सकते हैं। मेरे पास तो टाइम भी ज़्यादा नहीं था ना, मैं सिर्फ खीर ही बनाई थी। ऐसे मैं पूजा कर देती हूँ, फूलों से सजाती हूँ, माँ को सजना सवरना बहुत अच्छा लगता है लक्ष्मी माँ को। और मैं पूजा करके वो भोग भी लगा देती हूँ। देखिए
गुड़ और छेना सेव केला सबसे मिला के मैं भोग भी लगा देती हूँ, कलश में भी देती हूँ और माँ को भी देती हूँ, धूप दीप भी देती हूँ। हाँ सब और भी है जो मेरे पास ठाकुर है, अरे ठाकुर घर की अंदर ही मैं करती हूँ ऐसे मैं किया। और लक्ष्मी पुराण भी पढ़ते हैं हम, लक्ष्मी पुराण को एक दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो हम जो चार है ना चार गुरुवार है वैसे हम पढ़ के हम ख़त्म कर सकते हैं। और तो मतलब पुराण को लक्ष्मी पुराण को हम पूरा पढ़ सकते हैं, जितना भी जिसका टाइम मिलता है एक दिन में भी कोई भी पढ़ लेता है। लेकिन जिसका पास टाइम नहीं है आजकल तो बहुत बिजी भी टाइम रहता है ना, टाइम भी नहीं रहता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा ही पढ़ी हूँ। ऐसे मैं चार गुरुवार पढ़ के मैं ख़त्म करूँगी। देखिए कैसे मैं सजाई थी माँ को, देखो कितने सुंदर है। और मैं दोपहर को गुड़ की खीर बनाई थी, गुड़ की खीर को मैं माँ को भोग लगाऊंगी और शाम को मैं नहीं बनाई। और फ्रेंड्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और जो मेरे चैनल को न्यू देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए मैं कैसे किया पूजा अभी ज़रूर बताए। फिर फ्रेंड्स मैं रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग के साथ मिलूँगी। ओके बाय।